तो आइए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आज। मैं धीरज, अ फेलियर बॉय, 12th फेलियर। तो हाल ही में एक मूवी आई है 12th फेल, और जब से मैंने इस मूवी को देखा है ना, तब से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ ना कि इसके कुछ कहानी, इसके कुछ पार्ट मेरे लाइफ से रिलेट करते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि यार कब तक मैं अपने इस बात को अपने दिल में, अपने मन में बैठा के रखूंगा, कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा। तो सोचा इस कहानी के जरिए हम आपको बता देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, द स्टोरी ऑफ फेलियर बॉय। बचपन से मैं पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट था, और घर से उतना प्रेशर भी नहीं था पढ़ाई का, और मेरी लाइफ उतनी स्ट्रगलिंग भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मेरा पढ़ाई छोड़ के हर एक चीज में मन लगता था। और सच बताओ तो मैं पढ़ने के वक्त सिर्फ घूमता था, क्रिकेट खेलता था। अब क्योंकि मुझे दुनियादारी का उतना नॉलेज नहीं था, मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि यार बीटेक होता है क्या, उसे करने के बाद हम इंजीनियर बनते हैं। सच में मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। और हम आपको बता दें कि हम मिर्जापुर जिले से हैं, और वहाँ के लोग ना थोड़े भौकाली ज्यादा होते हैं। और जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर मुझे कोई बताने वाला नहीं था, वो इन्वायरमेंट नहीं था, और इसीलिए मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उस वक्त कि यार मेरे पिताजी के पास दुकान है, पढ़ाई नहीं हुआ तो भाई दुकान पे बैठ ही जाएंगे, पर सच कहूँ तो कोई ये बताने वाला नहीं था कि अच्छे से पढ़ ले, तेरा फ्यूचर बन जाएगा। कोई ये समझाने वाला नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। क्लास 9th और 10th तो मैंने कैसे भी करके क्लियर कर लिया, और देखा जाए तो मेरे अच्छे नंबर भी आए थे, लाइक कुछ खास नहीं। क्लास 9th में मेरे 8.5 CGPA आए थे, और क्लास 10th में मेरे 8 CGPA आए थे। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि 8 CGPA, ऐसा लगता था कि यार आई एम जस्ट एवरेज स्टूडेंट, और सच में ऐसा ही था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि यार CBSE बोर्ड से 8 CGPA लाना इज जस्ट लाइक हलवा। लोग सही थे, क्योंकि मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, तो मैं खुद से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और सच बताऊँ तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं। तो भैया बारी है क्लास 12th की, और जब क्लास 12th का एग्जाम नज़दीक आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था यार कि क्लास 12th निकालना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था। सच में दिल की धड़कने हैं। अब क्योंकि पूरे साल तो मैंने पढ़ा नहीं, पूरे टाइम बस मैंने अपना टाइम वेस्ट किया घूमने में, खेलने में, दोस्तों के साथ मजे करने में। और जब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार अब पढ़ लेना चाहिए, आई थिंक तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 महीने बचे थे, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने। और उस वक्त मैं मैथ और फिजिक्स में थोड़ा वीक था, और मेरे पास उतना समय भी नहीं था। और जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो मेरे दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती थी कि हे भगवान, 12th क्लियर हो जाए, बस 1 kg लड्डू चढ़ाऊंगा। कितना फनी था ना। समय बीतता गया, मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आता गया, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था ना, मेरे मन में और डर बैठ रहा था। एंड देन 1 महीने ख़त्म हो गए और मुझे पता भी नहीं चला, और एग्ज़ाम आ गया। सो आई वेंट टू द एग्ज़ाम, और मेरे कुछ एग्ज़ाम अच्छे भी गए, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जब मैं मैथ का एग्जाम देख के एग्जाम हॉल से बाहर आया ना, तो मुझे ऐसा फील हो गया था कि मैं तो गया, मैथ में तो लग गया। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार काश शुरू से ही पढ़ लिया होता, फिर ऐसी नौबत ना आती। पर वो कहते हैं ना, गलती होने के बाद हमें समझ आती है। एंड फाइनली जिस दिन रिजल्ट आने वाला था ना, मुझे तो ऐसा लग गया था कि यार मैं पास नहीं होने वाला हूँ। एंड गेस व्हाट, 26 मार्च 4 PM द रिजल्ट वॉज आउट।
मैं फेल, ट्वेल्थ फेल, साल बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। मैं बहुत रोया, सच में मैं बहुत रोया, बहुत रोया। जो तुझे इस दफा ना मिली प्यारी सी परियों की वो कहानी, और तुम यूं परेशान हो क्यों? फिर सोचा यार, अब जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते, तो क्यों ना रिस्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने पूरे एक साल मेहनत करके ट्वेल्थ क्लियर किया। और ऐसा नहीं है कि यार ट्वेल्थ क्लियर करने के बाद मेरे कुछ 95 या फिर 90% आए, आ गए थे, क्योंकि यार अब एक साल में लाइक जितना मैंने कोशिश किया उस हिसाब से मेरा परसेंटेज आया। तो ट्वेल्थ में मेरे करीब 72% आए थे, सही थे उस वक्त, मेरे लिए सही थे। और उसी साल मैंने IIT भी दिया था, पर IIT नहीं निकला। तो फिर लास्ट में मेरे पास एक ऑप्शन था LPU जाने का। मैंने YouTube पे वीडियोस देखे थे तो सोचा कि चलते हैं इस कॉलेज में। और फिर मैंने LPU में एडमिशन ले लिया और वहाँ से स्टार्ट होता है एक नया कहानी, एक नया स्टोरी। और LPU में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर तो कोविड में चला गया। जो मेरा फर्स्ट ईयर था वो उतना अच्छा नहीं गया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 65% आए थे, सेकेंड सेमेस्टर में मेरे 75% आए थे। एंड देन उसके बाद मैं खुद को और इम्प्रूव किया, क्योंकि मुझे लगा यार इससे काम नहीं बनने वाला है। तो सेकेंड ईयर में मेरे कुछ ऐसे आए थे, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में मेरे आए थे 85%। और उस टाइम पे मुझे, मैं बहुत खुश था यार कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया। और फिर जब फोर्थ सेमेस्टर आया तो मेरे 86% आए, फिफ्थ सेमेस्टर में 85% आए, सिक्स सेमेस्टर में 78%, उसमें थोड़ा गिर गया, आई नो, थोड़ा मस्ती उधर ज़्यादा हो गया था, मैं घूमने चला गया था। एंड देन फाइनली सिक्स सेमेस्टर के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन किया। एंड देन सेवन सेमेस्टर के फर्स्ट मंथ में मेरा प्लेसमेंट हो गया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी यार, उस वक्त मैं बहुत खुश था। लेकिन अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ, मेरी ड्रीम्स बहुत हैं, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और मैं मेहनत करूँगा। और फाइनली मेरा प्लेसमेंट हो गया। पर मैं आपको बता दूँ, कभी ये मत सोचना कि मैं फेल हो गया तो मैं कभी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगा, नहीं। बस यार वो मोटिवेशन मत खोना, वरना लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे। अगर उस वक्त मैं खुद से हार मान लेता तो मैं लाइफ में आज यहाँ पर नहीं होता, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं होता, 10 लाख से ज़्यादा का पैकेज नहीं पाता। तो देखो बात यही है कि लोगों का सुनोगे ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मैं YouTube चैनल खोल रहा था तो लोग बहुत कुछ बोले थे, पर फिर भी मैंने उस पर काम किया। लोगों का मुझे नहीं सुनना है, मुझे खुद पे फोकस करना है, मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। तो बस एक बार फेल होने से ऐसा नहीं है कि यार लाइफ रुक जाती है, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, बाकी क्या ही है, मजे करो। क्योंकि लाइफ में चेंजेस आने जरूरी हैं, बस यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन नो वन एल्स डज। और मुझे पता था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। और अभी मेरे सपने बहुत सारे हैं और मुझे पता है कि एक दिन मैं वो सारे सपने पूरे करूंगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। एंड आई विश कि आप सबके सपने पूरे हों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून। आज भी तेरे दिल में है बाकी, और इन कागजों में कहीं एक गुल है जो ऐसे तेरा इंतजार कर रहा है, ये गुल है तेरी वो हंसी।